राखी से पहले इन राशि वालों के लिए होने वाला है कुछ अलग। 18 अगस्त 2024 को शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में नई चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह अपनी स्थिति बदलता है तो उसका प्रभाव हर राशि पर पड़ता है। इस बार रक्षाबंधन के पहले शनि नक्षत्र का परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है, जो कई राशियों के जीवन में उथल पुथल मचाने वाला है। देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल के अनुसार शनि का यह परिवर्तन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। शनि की वक्री चाल से ये तीन राशियां सावधान रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का संकेत दे रही है। के ठीक पहले ज्योतिषाचार्य जी, शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो किस राशि में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और इससे किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है? शनि अभी वर्तमान में कुंभ राशि पर विराजमान है और कुंभ राशि पर ही वक्री है। वक्री अवस्था में ही ये नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 अगस्त को शनि पूर्व भाद्र पद नक्ष में प्रवेश करेंगे, तो नक्षत्र परिवर्तन करने से शनि की दृष्टि जो है वह तीन राशि वालों के ऊपर होने। कर्क राशि। शनि का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। आपके घर में कलह और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। करियर में भी समस्याएं उभर सकती हैं और रिश्तों में खटास आने की संभावना है। इस समय आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आय में कमी और खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आर्थिक संकट गहरा सकता है। आपको वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद संभव है। मीन राशि वालों के लिए यह समय व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय छात्रों को पढ़ाई में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। मीन राशि वाले विशेष रूप से सावधान रहें। तीन राशि वालों के ऊपर विशेष खतरा का समय आ रहा है। तीन राशि वाले हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीन राशि वालों के ऊपर शनि की कुदृष्टि हो जाएगी, उनका आर्थिक घाटा हो सकता है, व्यापार में हानि हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है और मन अशांत रहेगा, परिवार में कलह की भी नौबत आएगी। उपाय। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें, इससे शनि के प्रभाव में कमी आएगी। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि शनि के कष्टों से मुक्ति दिलाने में हनुमान जी की विशेष भूमिका होती है। तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। ये तीन राशि वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि शनि की जो कुदृष्टि पड़ रही है, इससे बचने के लिए सावन माह में ही 18 तारीख से वक्री अवस्था में सतदिशा नक्षत्र पर जा रहे हैं, तो 19 तारीख सावन पूर्णिमा के दिन यदि हो सके तो शिव जी का जलाभिषेक निश्चित रूप से करें, क्योंकि शनि महाराज के गुरु जो हैं वह शंकर भगवान हैं। यदि आप 18 तारीख वक्री होंगे और 19 तारीख पूर्णिमा को शंकर भगवान के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से शनि की आपके ऊपर कृपा होगी, कुदृष्टि नहीं होगी। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन उचित उपायों के साथ इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है। शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इस समय को भी सफलता में बदल सकते हैं। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।